गणेश चतुर्थी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। आपको बता दें कि कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा को स्थापित कर 9 दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिन बाद गाजे बाजे से श्री गणेश प्रतिमा को किसी तालाब इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी इस बार 13 सितंबर को है और घर घर में भगवान के स्वागत की तैयारियां चल रही है। इस खास अवसर पर गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित की जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी तक इसकी रोजाना विधि विधान से पूजा की जाती है और भोग लगाया जाता है। आज हम आपको बताते हैं इस खास अवसर पर गणेश जी की मूर्ति कितने प्रकार की बाजार में उपलब्ध है और किन किन तरह की। इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा है, लोग जागरूक हो गए हैं। पहले पीओपी की चलती थी, अब क्या कच्ची मिट्टी की चलने लगी जो आप ये देख रहे हो अभी। और हम तो फिर भी 11 साल से बेच रहे हैं मिट्टी की, और अब बहुत जागरूक हो गया हर जगह से ही, तो हर आदमी की पहचान ये हो गई कि कच्ची मिट्टी की मूर्ति खरीदे। अच्छा, तो आपके यहाँ पे कौन से मिट्टी के आइटम के बनाते हो आप ये मूर्तियाँ? हम तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी के बना रहे हैं और उस पर है ना अलग से है ना वाटर कलर से पेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है पानी में गमले में विसर्जित हो जाए और उसमें पेड़ पौधा लगा सकते हैं किसी चीज का, जैसे तुलसी का हो और अन्य कोई सा पौधा लगा सकते हैं। चलो, कैसी क्या खरीदारी है पिछली बार से लेकर इस बार? पिछली बार के मुकाबले अब की बार अच्छी है और अलग अलग वेरायटी भी आई है जो आप अभी देख रहे हो, अलग अलग नगीने वाले सादा और छोटे बड़े 6 इंच से लेके और 5 फीट तक के गणेश जी मिट्टी के उपलब्ध। वैसे तो आपको भगवान गणपति की खड़े हुए, नृत्य करते हुए, आराम करते हुए जैसी कई अवस्थाओं की मूर्तियां मिल जाएगी, लेकिन घर के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं बैठे हुए गणेश जी।